प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं राधा रमनी, आपकी हिंदी अध्यापिका, मंडल परिषद उन्नत पाठशाला इरकेपल्ली, पलनाडु जिले, आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आज हम प्रकृति के बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत जी से रची गई सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़कर आनंद लेंगे। तो चलिए पहले हम पाठ का अवलोकन करेंगे। पाठ का अवलोकन, कवि परिचय, पाठ प्रवेश। अब हम इस मॉड्यूल में पाठ का अवलोकन करने से पहले अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। अपेक्षित लक्ष्य, कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रकृति की सुंदरता के बारे में संक्षिप्त व्याख्या कर सकेंगे। प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त कर सकेंगे। प्रकृति दृश्यों को सुंदर ढंग से वर्णन कर सकेंगे। वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले परिवर्तनों के बारे में जान सकेंगे। पर्वत से निकले झरनों की सुंदरता अनुभव कर सकेंगे। ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कविता को लय के साथ गा सकेंगे। कविता का सौंदर्यानुभूति कर सकेंगे। स्व कविता लिखने में तत्पर होंगे। अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग कर सकेंगे। कविता में मानवीकरण अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा शैली का विकास कर सकेंगे। बच्चों, अब हम कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी गांव में हुआ था। इनका असली नाम मुसाई दत्त था। यह नाम पसंद ना होने के कारण इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। पंत जी ने 7 साल के उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। पंत जी की कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद के साथ मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधारा भी दिखाई देती है। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुवेतलाल नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से पंत जी सम्मानित किया गया है। पंत जी की प्रमुख कृतियां वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। बच्चों, अब हम कवि के बारे में दो छोटे छोटे सवालों के जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। तैयार हो ना? पहला सवाल, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? ये बागेश्वर, बी श्रीनगर, सी कौसानी, डी धारी। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। हाँ बच्चों, आपने सही बताया। शाबाश, सही जवाब है सी। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कौसानी गांव में हुआ। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये वीणा, बी पल्लव, सी ग्राम्य, डी चिदंबरा। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। बिल्कुल सही बताया आपने, सही जवाब है डी। शाबाश, पंत जी को चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ प्रवेश में कविता में किस विषय के बारे में लिखा गया है जानेंगे। पहाड़,
प्रकृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना प्रकृति की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। जब भी हम हिमालय के बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंग खड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पर रहकर उसकी सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं। बच्चों, चलिए इन पहाड़ों की सुंदरता को आजमाएंगे। इस कविता में कवि ने भी यह बताने की कोशिश की है, पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में बारिश होते समय और होने के बाद बदलते प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। सुनते हुए हम प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उस बदलते प्रकृति का पूरा आनंद लेते हैं और वहीं पर रहने का अनुभव भी कर लेते हैं। हमारे दिल और दिमाग में दूसरा ख्याल नहीं आता है और उसकी सुंदरता हमारे मन को मोह लेती है। अब हम पहाड़ों पर बारिश होते समय प्रकृति की एक झलक देखते हैं। महाकवि निराला का कहना है कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। इस कविता में कवि ने जो विषय समझाने का प्रयास किया है वह सफल और साकार हो चुका है। झरनों की छमछम आपके लिए। पहला सवाल, पाठ प्रवेश में किस विषय के बारे में बताया गया है? ए पहाड़ी प्रांत, बी हिमालय, सी झरने, डी ये सभी। इसमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। हाँ बच्चों, आपने सही बताया, सही जवाब है डी। पाठ प्रवेश में पहाड़ी प्रांत, हिमालय, झरने, इन सभी बातें बताए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, महाकवि निराला के अनुसार पंत जी की एक कौशल किससे मिलती है? ये शेली से, बी शेक्सपियर से, सी जेन ऑस्टिन से, डी जॉर्ज ओरवेल से। इनमें से सही जवाब पहचानिए बच्चों। शाबाश बच्चों, सही कहा आपने, सही जवाब है ये। महाकवि निराला के अनुसार पंत जी की एक कौशल शैली से मिलती है। अब हम मुख्य बिंदु को पुनश्चरण करेंगे। मुख्य बिंदु, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में उत्तराखंड के कौसानी में हुआ। इन्होंने 7 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू किया। मार्क्स, गांधी तथा अरविंद से प्रभावित हैं। इन्होंने जीविका के क्षेत्र में उदय शंकर संस्कृति केंद्र में काम किया। पंत जी पद्म भूषण, ज्ञानपीठ आदि अनेक पुरस्कार पाए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चिदंबरा, वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन आदि। पंत जी इस कविता में पहाड़ी प्रांत के वर्षा ऋतु का वर्णन अति सुंदर ढंग से किया है। निराला का कहना है कि इनकी शैली शैली से मिलती है। चलिए बच्चों, पंत जी का सुंदर सा कोमल सा कविता पर्वत प्रदेश में पावस लय के साथ गुनगुनाते हुए पहाड़ों में वर्षा ऋतु के आगमन को आजमाएंगे। अगला मॉड्यूल में कविता का सुंदर वर्णन देखेंगे बच्चों।